Just like we need to look at our disease, if we have an illness in the face and not ignore it. Only then we can hope to find a solution or a resolution. I do feel that our personal issues are not separate from our civilizational issues. And our civilizational issues are that we as a society are very self-conscious. When I say self-conscious, I mean it in a sense that Atma Sankoch. We are always looking over our shoulders before saying something authentic. Something that we feel deep inside is true, is real for me, but I look over my shoulders to see what will be the reaction of the other. And this is a result of centuries of suffering also, which has got into our DNA. Another problem that I see is that we are we tend to be politically correct, and this word has a very deep meaning to me, politically correct. I don't mean it in the sense of present-day politics, of party politics. I mean it in the sense of the current trends of thought, the fashion. Fashion sirf kapde ka nahi hai, fashion sirf hairstyle ka nahi hai, parantu usse bhi deeper jo fashion hai wo vicharon ka fashion. और जितने ज्यादा हम मॉडर्न होते चले जाते उतने ज्यादा हम इसमें फंसते चले जाते. और एक अननोन दबाव, एन अननोन प्रेशर वी स्टार्ट फीलिंग द मोर मॉडर्न वी बिकम. और ये हमारे बच्चों में भी है. जब बच्चा अपनी इनोसेंस से निकलता है बाहर, एडोलेसेंस में प्रवेश करता है, तो ये दिखाई देने लगता है, और हमारे में भी है. तो ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस का हमने दबाव स्वीकार कर लिया है, मुझे कभी कभी लगता है कि इससे मुक्त होने की जरूरत है. वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस एंड बी ऑथेंटिक. आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू बिकम रेबेल्स, और जो भी कुछ पॉलिटिकली करेक्ट है उसके अगेंस्ट में इसलिए जाना है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट है. लेकिन मैं आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ बीइंग ऑथेंटिक टू आवर सेल्फ, ऑथेंटिक टू व्हाट वी फील, ऑथेंटिक टू आवर सेंसिटिविटी, ऑथेंटिक टू व्हाट वी फील डीप डाउन. एंड इफ व्हाट वी फील डीप डाउन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज फैशनेबल, देन वी हैव द करेज टू से इट. Why is it necessary to say or to speak out? Why not just ठीक है बोलने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है बोलने का भी धर्म है अभी, क्योंकि हमारे जैसे हम जो हैं हम यूनिक नहीं है ना. तो हमको अगर डर और संकोच है तो दूसरे को भी डर और संकोच है. और जब एक बोलता है तो दूसरे को हिम्मत आती है कि हाँ यार सच तो था, पर मैं तो बोला नहीं था, ये बोल रहा तो मेरे को भी कुछ हिम्मत. कुछ वैसा ही जैसे वो कहानी है राजा नंगा है वाली का, तो सबने सुनी होगी कि वो वाली कहानी. एक बच्चा बोल देता है कि राजा नंगा, तो सब बोलते हैं हाँ भाई हम लग रहा, तो हमको भी लग रहा था पर हम बोल नहीं रहे थे. तो वैसी कुछ बात. तो मुझे मैं बहुत ज्यादा बड़ा डिवाइड नहीं करता बिटवीन द पर्सनल एंड द पब्लिक. मुझे उसके कनेक्शंस दिखाई देते हैं. जब मैं अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देता हूँ तो मुझे लगता है वो मेरी ही नहीं है, वो तो मेरे समाज की है.
पूरे देश की है और शायद दुनिया में भी बहुत सारे लोगों की है। तो ये क्योंकि मैं आई डू फील एज एन इंडियन दैट वी हैव बिकम इनडिफरेंट टू आवर कंट्री, वी हैव वी टेक स्मॉल इश्यूज यू नो हियर एंड देयर बट वी डोंट वॉन्ट टू सी द फंडामेंटल रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। द फंडामेंटल रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल एज आई सी दम। Whether we are left or we are right, whether we are rich or we are poor, whether we are urban or we are rural or we are men or women, I find there's a, there at the root of it is our tendency to be politically correct, to not be authentic, और उससे फिर उसके अलग 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 चीजें उसमें से निकलती हैं, उसमें से हिपोक्रेसी भी निकलती है, उसमें से भ्रष्टाचार भी निकलता है, उसमें इन नकल करने की प्रवृत्ति भी निकलती है, बहुत कुछ निकलता है। तो उसको ठीक करने की जरूरत है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम जो अभी शेयर करें उसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करके अपने कंसर्न्स अपने इश्यूज पे ध्यान दें और उसको शेयर करें इस आत्मविश्वास के साथ कि ये जो मैं कहने जा रही हूँ या कहने जा रहा हूँ ये सबका इशू हो सकता है, सिर्फ मेरा नहीं है। तो मेरा धर्म है कि मैं जरा देखूं ध्यान देके और मैं उसकी बात करूं और बात करूंगा तो उसमें से एक संवाद निकलेगा और वो संवाद ही उसका रेजोल्यूशन हमको दिखाएगा।